Welcome dear friends, LSCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we deal with the how to identify ideal and non-ideal solution. तो आज की इस लेक्चर में अपन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सुपर ट्रिक का यूज करेंगे और इस वाली ट्रिक की हेल्प से आपको जो भी एग्जाम्पल गिवन होते हैं, चाहे वो IIT का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, अदरवाइज 12th बोर्ड का एग्जाम हो, तो आप इस वाली ट्रिक की हेल्प से इजीली आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए कि राउल्ट के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन है वो कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्ट रूल। फर्स्ट वाला होता है आपके पास आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड वाला होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू राउल्ट देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला वाला तो हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड वाला कौन सा होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आइडियल सॉल्यूशन है उसको तो किस टाइप से डिफाइन करोगे और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसको किस टाइप से डिफाइन करोगे। तो आइडियल सॉल्यूशन है इसको किस टाइप से डिफाइन करोगे, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। रिपीट कर देता हूं मैं, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या किस टाइप से डिफाइन करोगे, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन आर नॉन एज आइडियल सॉल्यूशन। सेकेंड वाला कौन सा दे रखा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम को ओबे नहीं करेंगे, तो इसको किस टाइप से डिफाइन करोगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन आर नॉन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आपके जो भी एग्जाम में जो एग्जाम्पल आते हैं कि आइडेंटिफाई विच एग्जाम्पल इज द आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो उन एग्जाम्पल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, तो यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं सुपर ट्रिक। इस वाली ट्रिक की हेल्प से आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा सॉल्यूशन तो आइडियल का एग्जाम्पल है और कौन सा नॉन आइडियल का। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है टू कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी होती है आपके पास पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और सेकंड वाला होता है आपके पास नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मीनिंग आइडियल सॉल्यूशन है उसको फर्दर कैटेगराइज नहीं किया गया, लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है टू कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी होती है आपके पास पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड आपके पास कैटेगरी होती है नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये वाली जो ट्रिक है, तो ट्रिक देखिए, ट्रिक को अंडरस्टैंड कीजिए इजीली। ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या होता है, किस टाइप से आइडेंटिफाई करोगे। तो सबसे पहले अपने यहां पर डील करेंगे आइडियल सॉल्यूशन से, सबसे पहले अपने यहां पर डील करेंगे आइडियल सॉल्यूशन से। किस टाइप से आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो भी आपको गिवन एग्जाम्पल है वो किसका आइडियल सॉल्यूशन का है। तो इसके लिए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल वही होगा जिसमें सेम काइंड के कंपाउंड क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, सेम काइंड ऑफ कंपाउंड्स, सेम काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, सेम काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन आइडियल सॉल्यूशन। जो भी आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा उसके अंदर जो भी कंपाउंड आपको मेंशन कर रखे होंगे उन दोनों कंपाउंड का नेचर क्या होगा, सेम काइंड का होगा। मीनिंग सेम नेचर के अगर कंपाउंड अगर उनका मिक्सचर कर रहे हो तो वहां पर आपको जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा वो वाला सॉल्यूशन कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये तो हो गया फर्स्ट के लिए। सेकेंड वाली थीम आती है पॉजिटिव डेविएशन के लिए, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी अपन डील किससे करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। अगर आपको मान लीजिए टू टाइप के कंपाउंड है उनको मिक्सचर करके और उनका जो मिक्सचर और उससे रिलेटेड आपसे ये पूछता है कि ये वाला जो मिक्सचर है वो आइडियल सॉल्यूशन का है अदरवाइज नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन का है तो फिर वो पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, अदरवाइज नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये अपने यहां पर देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट देख रहे हैं अपनी ट्रिक का, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है। तो यहां पर देखिए अभी अपन इसके एग्जाम्पल भी सोल्व करेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, टोटल जो कहानी है वो आपको एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने से इजीली सोल्व हो जाएगा। तो यहां पर अब आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आपको इन कंपाउंड को ध्यान रखना है मोस्टली, क्योंकि अगर आपको ये वाले कंपाउंड उस वाले मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं तो वो कौन सा होता है, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन कौन से कंपाउंड है, तो मोस्टली कार्बन डाइसल्फाइड (CS2), इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मीनिंग CCl4, और इसके अलावा कौन सा हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है। तो अगर आपको जो भी मिक्सचर गिवन है सॉल्यूशन का, अगर उस वाले मिक्सचर में आपको ये तीन कंपाउंड दिख जाए, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एल्कोहल, तो वो ऑलवेज किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फिर पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला कौन सा है, नॉन आइडियल के अंदर थर्ड वाला एग्जाम्पल आपके पास है नेगेटिव डेविएशन। तो ये लीजिए थर्ड मेंशन करता हूं मैं, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नेगेटिव डेविएशन के अंदर अगर मान लीजिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा हो के बाद नेगेटिव डेविएशन वाला हो, तो इस वाली कंडीशन में इसको आइडेंटिफाई करने का मेथड क्या होता है, तो जब भी नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है तो उसमें जनरली मोस्टली क्या प्रेजेंट रहती है, एसिड प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पर जो भी आपको मिक्सचर गिवन है तो उस वाले मिक्सचर के अंदर आप इजीली वहां पर सीन कर लेना, मोस्टली एसिड्स आर प्रेजेंट, एसिड्स आर प्रेजेंट। अगर मोस्टली एसिड प्रेजेंट है तो वहां पर वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन का। अब ये मोस्टली एसिड कौन से हो सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड मीनिंग H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। अगर ये कंपाउंड वहां पर प्रेजेंट है, जो भी आपको मिक्सचर गिवन है सॉल्यूशन का, अगर उसमें कोई भी एसिड प्रेजेंट है, चाहे फिर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, अदरवाइज नाइट्रिक एसिड हो, तो फिर वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। लास्ट पॉइंट देखिए ट्रिक, और उसके बाद में एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको नोट लगाकर मेंशन कर रहा हूं, ये आपको ऑलवेज माइंड के अंदर सेट करके रखना है। और आपको सेट करके क्या रखना है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म वाला एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कौन सा, क्लोरोफॉर्म एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि क्लोरोफॉर्म स्पेशली केस क्यों लिया मैंने, कि क्लोरोफॉर्म का देखो एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होता है, CHCl3, ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, क्लोरोफॉर्म की, CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो जब भी ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, एक्ट एज एसिड, तो क्या करेगा, ये प्रोटॉन का डोनेशन करेगा। तो जैसे प्रोटॉन का डोनेशन करेगा तो देखिए क्या सीन बन जाएगा, कार्बन तीन तो क्या अटैच है इससे, क्लोरीन, और प्रोटॉन यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आप अब इजिली जानते हो कि क्लोरीन वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, और थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स क्या होती है, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर कहानी क्या बन जाएगी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इजीली क्या कर सकता है, डीलोकेलाइज कर सकता है, और डीलोकेलाइज किसमें कर सकता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन। तो मीनिंग यहाँ पर अगर ये एसिड है, क्लोरोफॉर्म को अगर मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ एसिड, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, एसिड के कंपैरिजन में कॉन्जुगेट बेस में एक हाइड्रोजन क्या होता है, लेस होता है, बस इतना सा डिफरेंस होता है एसिड और कॉन्जुगेट बेस में। लेकिन किसी भी एसिड का अगर आपको कॉन्जुगेट बेस आइडेंटिफाई करना है तो उसमें से एक हाइड्रोजन को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को डेवलप कर देना है। तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्टेबल है, और स्टेबल होने का रीजन क्या आ गया कि जो नेगेटिव चार्ज जो लाइज कर रहा था कार्बन एटम पर, वो क्या होता है, डीलोकेलाइज होता है, और डीलोकेलाइज किसमें होता है, इनटू वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। अब आपको देखो दो पॉइंट यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, दोनों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और ये क्लोरोफॉर्म का अगर आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ आ जाए या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ आ जाए, अदरवाइज किसके साथ आ जाए, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अदरवाइज ये दोनों के अगर साथ आ जाता है तो ये ऑलवेज किसका एग्जाम्पल होगा। यहां पर देखो मैंने सबसे पहले मेंशन किया आपको ट्रिक को सीक्वेंस में फॉलो करना है। कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड आते हैं किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन का। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी क्लोरोफॉर्म कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म के साथ आ रहा है तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। लेकिन ये सेकंड वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपके पास क्या है क्लोरोफॉर्म मीनिंग CnCl3 और अगर ये क्लोरोफॉर्म किसके साथ आ जाए, ये क्लोरोफॉर्म की अगर इनके साथ नहीं आ रहा है मीनिंग कार्बन डाइसल्फाइड है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनके अलावा आ जाए मीनिंग विदाउट CH2, यहाँ पर जो सेकंड वाला कॉम्पोनेंट है वो क्या आएगा विदाउट CH2 अदरवाइज CCl4। मीनिंग क्लोरोफॉर्म के साथ अगर ये नहीं है CH2 नहीं है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट नहीं है तो उस वाली कंडीशन में भी ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। ये दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट। अगर क्लोरोफॉर्म किसके साथ प्रेजेंट है कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अगर क्लोरोफॉर्म विदाउट कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड आ रहा है तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट बात और देख लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। 10 से 15 एग्जाम्पल है जिनमें आपको ही बताना है कि ये वाला आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है या नॉन आइडियल का। नॉन आइडियल में भी ये पॉजिटिव डेविएशन वाला है अदरवाइज नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। लास्ट वाला पॉइंट आपको स्पेशली ध्यान रखना है क्या, कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, कौन से बॉन्ड का, हाइड्रोजन बॉन्ड से अगर इनका क्या हो रहा हो फॉर्मेशन हो रहा हो, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो रहा हो फॉर्मेशन, तो जब भी आप जो भी आपके पास सॉल्यूशन अगर आप उनको क्या कर रहे हो मिक्स कर रही हो और मिक्स करने के बाद में अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है मीनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि वो भी ऑलवेज किसका एग्जाम्पल होगा, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल का एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल होगा, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। ये ध्यान रखना आपको, जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन को मिक्स कर रही हो और मिक्स करने के बाद में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस वाली कंडीशन में वो किसका एग्जांपल होगा, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अब आइए एग्जांपल की ओर मूव करते हैं अपन, किस टाइप से एग्जांपल आते हैं आपके एग्जाम में और किस टाइप से आप उसको इजिली सोल्व कर सकते हो। तो ट्रिक पहले ध्यान रखनी है, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या ध्यान रखना आपको, सेम काइंड ऑफ कंपाउंड्स मीनिंग जो भी 2 कंपाउंड्स आपको गिवन होंगे उन दोनों का नेचर कैसा होगा, सेम होगा, तो वो वाले तो कौन से हो जाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन आ जाएंगे। सेकंड फिर अपन ने डील किया नॉन आइडियल के अंदर 2 पार्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव डेविएशन में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपको अगर आपको इस टाइप का कॉम्पोजिशन दे रखा है सोल्यूशन का जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड अदरवाइज एल्कोहल, अब एल्कोहल में भी आ सकता है कौन सा, मिथेनॉल भी आ सकता है CH3OH अदरवाइज इथेनॉल भी आ सकता है। मीनिंग अगर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड और एल्कोहल अगर ये प्रेजेंट होता है एक भी कंपोनेंट अगर इनमें से है, किसका एग्जांपल हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन का। नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या बोला है, मोस्टली एसिड्स मीनिंग यहां पर अगर हाइड्रोजन क्लोराइड हो सल्फ्यूरिक एसिड हो और नाइट्रिक एसिड अगर इनमें से कोई भी एक एसिड या एक कंपोनेंट इन एसिड का आता है तो वो किसका एग्जांपल होता है, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। और लास्ट के अंदर ये इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने कि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो एसिडिक नेचर शो कर सकता है। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में जब प्रोटोन का डोनेशन होने के बाद में कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज लाइज करेगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डीलोकेलाइज होता है। किसमें डीलोकेलाइज होगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। तो मीनिंग ये क्या हो जाएगा कि जो ये कॉन्जुगेट बेस है क्लोरोफॉर्म का वो क्या गेन कर लेगा, स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। अब 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। फर्स्ट थिंग क्या है, अगर क्लोरोफॉर्म विदाउट कार्बन डाइसल्फाइड और टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड आ रहा है तो ऑलवेज किसका एग्जाम्पल होगा, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा। अगर मान लीजिए एक कॉम्पोनेंट तो क्लोरोफॉर्म है और सेकंड वाला कंपोनेंट क्या है, विदाउट कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो फिर ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल हो जाएगा। अब आइए इस वाली ट्रिक को अपन अप्लाई करते एवरी एग्जांपल इजीली सोल्व हो जाएगा। पहले देखिए, पहले वाले एग्जांपल के अंदर आपको मेंशन कर रखा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किसके एग्जांपल है, मीनिंग ये आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल। नॉन आइडियल है तो फिर आपको ये बताना है कि ये पॉजिटिव डेविएशन है, अदरवाइज ये नेगेटिव डेविएशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो, सबसे पहले ट्रिक मैंने आपको ये बोली थी कि जब भी सेम काइंड ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट होती है तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होती है। यहाँ पर देखना, पहला वाला मैं बता रहा हूँ बेंजीन। अब आपको इजीली पता है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, 6 मेंबर रिंग होती है और अल्टरनेट मैनर में डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। ये होता है बेंजीन। और बेंजीन को किसके साथ मिक्स कर रहा है, सेकंड वाला कंपोनेंट क्या है, टोल्यून। और टोल्यून का फॉर्मूला क्या होता है, टोल्यून में जो बेंजीन जो रिंग होती है इससे अटैच होता है मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप। तो ये वाला क्या होता है, टोल्यून, और ये वाला क्या हो गया, बेंजीन। और मैंने अभी आपको स्टार्टिंग के अंदर ट्रिक के अंदर ये बोला था, अगर सेम काइंड के कंपाउंड प्रेजेंट हो या सेम काइंड के अगर कंपाउंड प्रेजेंट हो तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। तो देखिए यहाँ पर भी बेंजीन आ रहा है और यहाँ पर भी कौन सी रिंग आ गई, बेंजीन रिंग आ गई। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये जो पहला वाला एग्जाम्पल किसका है, एक्चुअल में आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि सेम काइंड के कंपाउंड से यहाँ पर प्रेजेंट है। सेकंड वाला देखिए, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड। यहाँ पर भी देखिए इथाइल और यहाँ पर भी क्या आ गया, इथाइल आ गया। तो यहाँ पर ये वाला भी कौन सा हो जाएगा आपके लिए, ये वाला भी कौन सा हो गया, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि नेचर सेम है। कैसे नेचर सेम है इसको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। इथाइल ब्रोमाइड क्या होता है, CH3 CH2 Br, ये होता है इथाइल ब्रोमाइड। और सेकेंड वाला कॉम्पोनेंट किसको मिक्स कर रहा है, इथाइल क्लोराइड। क्या फॉर्मूला होता है इथाइल क्लोराइड का, CH3 CH2 Cl। ये भी एल्काइल हेलाइड है और ये भी क्या है, एल्काइल हेलाइड, बोथ आर एल्काइल हेलाइड। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन का। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया आपके पास, आइडियल सॉल्यूशन का। सेम टाइप से यहाँ पर देखिए बेंजीन और टोल्यून, बोथ आर एरोमेटिक इन नेचर, क्योंकि बेंजीन भी एरोमेटिक कंपाउंड है और टोल्यून भी कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बोथ आर एरोमेटिक कंपाउंड, मीनिंग दोनों का नेचर क्या है, सेम है। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन का। नेक्स्ट देखिए n-Heptane एंड n-Hexane। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एन आ रहा है, सफिक्स मीनिंग क्या है, एल्केन है, और यहाँ पर भी सफिक्स क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो मीनिंग ये भी क्या है, एल्केन है। तो दोनों का नेचर वापिस से सेम हो गया, बोथ आर सेम नेचर। तो यहाँ पर ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। मीनिंग आपको जो भी प्रॉब्लम गिवन है उसको देखते ही पता चल जाएगा ट्रिक की हेल्प से कि ये आइडियल है अदरवाइज नॉन आइडियल। नेक्स्ट देखिए क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। अब इसको देख लीजिए, क्लोरोबेंजीन का मीनिंग क्या है, क्लोरोबेंजीन का मीनिंग ये होता है बेंजीन रिंग से कौन अटैच होता है, क्लोरीन। और ब्रोमोबेंजीन का मीनिंग क्या हो जाएगा, बेंजीन से कौन अटैच होगा, ब्रोमीन। ये भी एराइल हेलाइड और ये भी क्या है, एराइल हेलाइड, तो मीनिंग बोथ आर एराइल हेलाइड। दोनों का नेचर क्या हो गया, सेम, और नेचर सेम हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, इथाइलिन क्लोराइड एंड इथाइलिन ब्रोमाइड। यहाँ पर भी देखिए इथाइलिन है, यहाँ पर भी क्या इथाइलिन है, आप इसे दोनों का नेचर क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये देखिए ट्रिक का जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट था उससे सोल्व किया है। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल देखिए, बड़े अच्छे एग्जाम्पल है। पहला वाला एग्जाम्पल देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड है पहला कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का मीनिंग क्या हो गया, CnCl3। और क्लोरोफॉर्म के लिए मैंने आपको स्पेशल पॉइंट मेंशन करवाई थी 2। अगर क्लोरोफॉर्म के साथ कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो ये ऑलवेज किसका एग्जाम्पल होता है, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन का। ये देखिए यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, अगर पहला वाला कंपोनेंट क्या हो, क्लोरोफॉर्म, और सेकंड वाला कंपोनेंट अगर कार्बन डाइसल्फाइड अदरवाइज कार्बन टेट्राक्लोराइड में से प्रेजेंट हो तो ये किसका एग्जांपल होता है, पॉजिटिव डेविएशन का। तो इजीली सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर जो पहला वाला एग्जांपल आपको मेंशन कर रखा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, CCl4 प्लस क्लोरोबोम क्या हो गया CHCl3। तो देखिए क्लोरोबोम आ गया, लेकिन क्लोरोबोम के साथ प्रेजेंट कौन है CCl4। और मैंने रूल नंबर सेकंड आपको यही मेंशन करवाया था, क्या रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग अपन यही बोलते हैं कि जब भी कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एल्कोहल अगर इनमें से एक भी कॉम्पोनेंट आपको गिवन मिक्सचर में दिख जाए, ऑलवेज किसका एग्जाम्पल होगा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। लेकिन नॉन आइडियल में भी कौन सा होगा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। नेक्स्ट देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखते ही सोल्व होना चाहिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड मीनिंग क्या आ गया CCl4 आ गया, मीनिंग ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। नेक्स्ट वाला देखिए एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, एसीटोन ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इसको क्या बोलते हो एसीटोन बोलते हो। ये क्या है एक्चुअल में एसीटोन। एसीटोन को मिक्स किसके साथ किया कार्बन डाइसल्फाइड, और कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया था CH2 होता है। देखिए कौन सा आ गया CH2। तो ये तो इसकी डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि जब भी CCl4 आ जाए, कार्बन डाइसल्फाइड आ जाए और एल्कोहल आ जाए, ऑलवेज किसके एग्जाम्पल हो गए नॉन आइडियल सोल्यूशन के। और नॉन आइडियल सोल्यूशन में भी किसके एग्जाम्पल हो गए पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नेक्स्ट वाला देखिए एसीटोन प्लस इथाइल एल्कोहल, यहां पर कौन आ गया एल्कोहल आ गया। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि एल्कोहल के अंदर मीथेनॉल भी आ सकता है और एथेनॉल भी आ सकता है। तो यहां पर इथेनॉल आया इथाइल एल्कोहल, एल्कोहल आते ही किसका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन का। नेक्स्ट वाला देखिए एसीटोन प्लस बेंजीन, यहां पर कौन सा है एसीटोन प्लस बेंजीन। तो ये एक्सेप्शनल केस, इसको लर्न करना पड़ेगा, यहां पर ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। तो ये वाला एकमात्र ऐसा एग्जांपल है पॉजिटिव के अंदर, ओनली वन एग्जांपल है जिसको आपको लर्न करके रखना पड़ेगा, एसीटोन प्लस बेंजीन। तो एसीटोन प्लस बेंजीन है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉजिटिव का एग्जाम्पल होगा। और लास्ट में बता भी दूंगा कि ये पॉजिटिव का एग्जाम्पल क्यों हुआ है। जब नेगेटिव को सोल्व कर लेंगे तब आपको इजीली पता चल जाएगा कि एसीटोन के साथ अगर आप बेंजीन को मिक्स कर रहे हो तो वो किसका एग्जाम्पल है पॉजिटिव का है। अभी जैसे वीडियो एंड होगा तो वीडियो के एंड में आपको इसका रीजन भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए मिथाइल एल्कोहल, एल्कोहल आ गया और एल्कोहल आते ही किसका एग्जाम्पल होता है नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल में भी किसका एग्जाम्पल होता है पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन का। नेक्स्ट देखिए इथाइल एल्कोहल, वापिस से एल्कोहल आ गया, तो एल्कोहल आते ही किसका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। आपको तो तीन ही कंपाउंड का ध्यान रखना है, स्पेशली कार्बन टेट्राक्लोराइड जब भी आ जाए CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड आ जाए मीनिंग CH2 आ जाए और एल्कोहल आ जाए, अगर इनमें से तीनों में से एक भी कॉम्पोनेंट आ गया तो वो ऑलवेज किसका एग्जाम्पल होता है पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन का क्या होता है एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल अब की बार देखो स्टार्टिंग के तीन एग्जाम्पल मैंने मेंशन किए, जिसमें क्या लिया है क्लोरोफॉर्म लिया है। तीनों के तीनों एग्जाम्पल में मैंने क्या मेंशन किया है क्लोरोफॉर्म। अब देखो जो नोट आपको मैंने मेंशन किया था वो नोट यहां से काम में आएगा कि क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का मीनिंग तो क्या हो जाएगा CHCl3, CHCl3 को क्या बोलते हो क्लोरोफॉर्म, प्लस क्या है एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, तो यहां पर देखिए क्लोरोफॉर्म के साथ अगर CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कौन आता अगर एल्कोहल आता तो फिर वो किसका एग्जाम्पल हो जाता आपके, वो एग्जाम्पल हो जाता पॉजिटिव डेविएशन का। लेकिन यहां पर क्लोरोफॉर्म के साथ ना ही तो कार्बन डाइसल्फाइड प्रेजेंट है, ना ही कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में ये एग्जाम्पल होगा नॉन आइडियल का, और नॉन आइडियल में भी किसका एग्जाम्पल होगा नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। नेक्स्ट देखिए वापिस ये कौन आ गया क्लोरोफॉर्म, लेकिन क्लोरोफॉर्म के साथ कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या एब्सेंट है, तो ये सेकंड वाला कंपोनेंट अदर है, तो यहां पर ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। थर्ड देखिए क्लोरोफॉर्म, वापिस ये क्लोरोफॉर्म, लेकिन क्लोरोफॉर्म के साथ कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट नहीं है, मीनिंग जो सेकंड कंपोनेंट वापिस से क्या आ गया डिफरेंट आ गया, तो यहां पर ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। नेक्स्ट वाले एग्जांपल देखिए एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन, ये एग्जांपल भी आपको लर्न करना, अभी इसका बस नेक्स्ट वाली स्लाइड में इसी का रीजन बताऊंगा एसीटोन प्लस एनिलीन वो नेगेटिव का एग्जांपल क्यों है। अभी के लिए आप इसको लर्न करके देखिए ये किसका एग्जांपल होता है नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। और इसकी जो प्रीवियस स्लाइड थी उसके अंदर ये एसीटोन प्लस बेंजीन ये किसका एग्जाम्पल होता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। दोनों का रीजन बताऊंगा अभी, इसका पीछे लॉजिक क्या है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस वाटर, एसिड तो जहां पर भी आ जाएगा ना ऑलवेज किसका एग्जाम्पल होगा, नेगेटिव डेविएशन का। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, वापिस से नाइट्रिक एसिड आ गया, एसिड आते ही किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर जिसमें मेंशन कर देता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड मीनिंग H2SO4 प्लस H2O मीनिंग सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर। तो यहाँ पर भी देखते ही सोल्व होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड आ गया, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अब इनका रीजन बताता हूं आपको। एसीटोन प्लस एनिलीन वो नेगेटिव का एग्जाम्पल है, वेरेज एसीटोन और बेंजीन वो किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव का है। तो सबसे पहले अपन इसको देखते, एसीटोन प्लस एनिलीन को। देखो मैंने आपको एक लास्ट के अंदर नोट मेंशन किया था क्या, कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो ऑलवेज किसका कौन सा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो जो भी आपको कंपोनेंट गिवन है तो उन कंपोनेंट को आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। तो मिक्स करने के बाद में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो ऑलवेज किसका एग्जाम्पल होगा, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। अब देखो इसको इजीली अपन सोल्व करते हैं। एसीटोन और एसीटोन के साथ क्या था, एनिलीन था। तो सबसे पहले देखिए एनिलीन का क्या फॉर्मूला होता है, तो एनिलीन का ये फॉर्मूला होता है कि एरोमेटिक रिंग मीनिंग बेंजीन होता है, और बेंजीन से क्या अटैच होता है, NH2 अटैच होता है, एमिनो ग्रुप या फिर आप इसको बोलते हो NH2। ये क्या हो गया, एनिलीन। ये किसकी स्ट्रक्चर मेंशन किए मैंने यहाँ पर, एनिलीन की स्ट्रक्चर। और एनिलीन को आप किसमें मिक्स कर रही हो, तो एनिलीन को मिक्स कर रही हो एसीटोन के साथ। तो एसीटोन का क्या फॉर्मूला होता है, ये भी आपको आना चाहिए। एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है, अभी बताया है मैंने। कीटोन का एग्जाम्पल है, सिंपलेस्ट कीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है आपके पास एसीटोन। अब आप क्या कर रही हो कि एनिलीन को मिक्स कर रही हो किसके साथ, एसीटोन के साथ। और मैंने पॉइंट आपको मेंशन कर दिया, नोट लगाकर इसको मेंशन कर लेना कि जब भी कंपोनेंट को अगर मिक्स कर रही हो और मिक्स करने के बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर वो ऑलवेज किसका एग्जाम्पल होगा, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर पहला कंपोनेंट कौन सा है, एनिलीन। सेकंड कंपोनेंट कौन सा है, एसीटोन। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, तो आपको मैं मेंशन कर देता हूं। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन उसी कंडीशन में हो सकता है, उसके लिए दो कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन तो क्या चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये प्रेजेंट होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और एलिमेंट कौन सा होना चाहिए, या तो नाइट्रोजन होना चाहिए, अदरवाइज ऑक्सीजन, अदरवाइज फ्लोरीन। ये तो होगी पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2 होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। नाइट्रोजन है तो NH बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो OH बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है तो कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, FH बॉन्ड क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होती है तो उस वाले कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए एनिलीन, तो एनिलीन के अंदर देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से अटैच कौन है, हाइड्रोजन, मीनिंग सेकंड वाली कंडीशन आ गई। और सेकंड वाले के अंदर देखो यहाँ पर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप यही पढ़ते हो क्या, कि जब भी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के मिड में अगर हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है तो फिर वो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और उसी एक्स्ट्रा बॉन्ड को कौन सा बोलते हो आप, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हो। यहाँ पर टू मॉलिक्यूल के मिड में फॉर्म हो रहा है तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए किस टाइप से पता चलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कनेक्ट है मीनिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन कनेक्ट है, और एसीटोन में क्या प्रेजेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो कि दोनों के दोनों कैसे, बोथ आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इनके मिड में कौन लाई कर रहा है, हाइड्रोजन। तो किसका फॉर्मेशन करेगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड का, और इसी एक्स्ट्रा बॉन्ड को क्या बोलते हो आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हो। टू मॉलिक्यूल के मिड में फॉर्मेशन हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो यही तो बोला है मैंने कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है अगर कॉम्पोनेंट को मिक्स करने के बाद में, तो किसका एग्जाम्पल होगा, नेगेटिव डेविएशन का। तो इसीलिए ये है ना, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। अब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। लास्ट वाला एग्जाम्पल, ये एसीटोन प्लस एनिलीन, क्योंकि एसीटोन और एनिलीन में किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद में, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अब ये एग्जाम्पल देखिए, एसीटोन प्लस बेंजीन, ये भी इजीली सोल्व होना चाहिए, एसीटोन प्लस बेंजीन, यही पर सोल्व करवाता हूं। एसीटोन का फॉर्मूला तो अभी आपने देखा क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 और CH3, ये तो क्या हो गया आपके पास, एसीटोन हो गया। कौन सा एग्जाम्पल हो गया, एसीटोन। अब एसीटोन के साथ मिक्स किसको कर रहा है, बेंजीन, और बेंजीन की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें अल्टरनेट मैनर में डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और एवरी कार्बन पर कौन सा एटम अटैच होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है। बेंजीन जो रिंग है इसके एवरी कार्बन पर बॉन्डेड कौन होता है, हाइड्रोजन एटम में बॉन्डेड होता है। अब देखो आपको इनको मिक्स करवा रहा है, टू कंपोनेंट गिवन है, पहला वाला तो बेंजीन और सेकंड कंपोनेंट कौन सा है, एसीटोन है, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जब इन कंपोनेंट को अगर आप मिक्स करोगे तो ये आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे या नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अदरवाइज नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी पॉजिटिव डेविएशन है, अदरवाइज नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर देखो आपको सीक्वेंस से फॉलो करना है, जो भी मैंने आपको ट्रिक्स मेंशन की थी उन ट्रिक्स को सीक्वेंस से फॉलो करना है। पहला देखिए यहाँ पर सेम काइंड ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट हो तो किसका एग्जांपल हो जाता है, आइडियल का। अगर कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एल्कोहल प्रेजेंट हो तो किसका एग्जाम्पल हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन का। अगर एसिड प्रेजेंट है तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। साथ में क्लोरोफॉर्म का केस स्पेशल, अगर क्लोरोफॉर्म के साथ कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट होता है तो पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल का सॉल्यूशन है। अदरवाइज क्लोरोफॉर्म के साथ विदाउट कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट होता है तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। साथ में लास्ट में मैंने ये बोला कि जब भी कॉम्पोनेंट को आप मिक्स कर रही हो और मिक्स करने के आफ्टर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो किसका एग्जांपल होगा, ऑलवेज नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो यहां पर देखिए इन वाले रूल को मैं अप्लाई करता हूं। सबसे पहला रूल क्या था, सेम काइंड ऑफ कंपाउंड। तो ये तो बेंजीन कैसा होता है, एरोमेटिक, और एसीटोन एरोमेटिक नहीं, मीनिंग सेम काइंड, इनका नेचर सेम नहीं है। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला क्या था, कार्बन डाइसल्फाइड मीनिंग CH2, कार्बन टेट्राक्लोराइड मीनिंग CCl4 और इथेनॉल, अगर इन तीनों में से एक भी कंपोनेंट प्रेजेंट होता तो किसका एग्जांपल होता था, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर देखो ना ही तो कार्बन डाइसल्फाइड है, ना ही CH2 है, और ना ही यहाँ पर इथेनॉल, मीनिंग ये पॉजिटिव डेविएशन का भी एग्जाम्पल नहीं हो सकता, रूल के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। थर्ड वाला क्या था, मोस्टली अगर एसिड आ जाए तो वो किसका एग्जाम्पल होता था, नेगेटिव का। तो यहाँ पर कोई भी एसिड नहीं है तो ये किसका एग्जाम्पल नहीं है, नेगेटिव का नहीं है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आपके पास डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट है, मीनिंग अगर सेम टाइप के कंपाउंड नहीं है तो आपके पास दो ही चॉइस है, या तो वो पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा, अदरवाइज कौन सा होगा, नेगेटिव डेविएशन वाला होगा। आइडेंटिफाई करने का मेथड क्या होगा, अगर मिक्स करने के बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप उसको नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल देना। अदरवाइज उनको मिक्स करने के बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, पॉजिटिव का एग्जांपल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन और यहाँ पर क्या, एसीटोन। एसीटोन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन बेंजीन में ना ही तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है और ना ही उससे बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जब भी आप इनको मिक्स करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दोनों के दोनों कंपाउंड, बोथ कंपोनेंट्स आर डिफरेंट, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फिर पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, इस ट्रिक की हेल्प से आपको जो भी एग्जाम में गिवन एग्जाम्पल है आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन तो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, कौन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, और नॉन आइडियल में भी कौन सा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और कौन सा नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना है। थैंक यू।